अरे नारा कोई बात नहीं, अरे यार छुट्टी तो कैंसिल हुई है। कोई बात नहीं, छुट्टी तो कैंसिल हुई है, नहीं जाएगा कोई नहीं जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। क्यों वीडियो महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो बच्चे SSC GD के थ्रू फोर्स में जाना चाहते हैं, अगर किसी भी माध्यम से वो फोर्स में जाना चाहते हैं, उनका सपना है कि हम फोर्स में जॉब करें, हम भारत माता की सेवा करें, एक बींग ए फोर्स मेंबर हम बनना चाहते हैं, फौज में मतलब देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके सामने क्या क्या परेशानियां आने वाली है, क्या क्या उनको फेस करना पड़ेगा, क्या क्या परेशानी उनको त्याग देना पड़ेगा। बहुत सारी परेशानी फोर्स के दौरान आने वाली है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ता है अपनी लाइफ के लिए। तो जो मैंने अपने ऊपर बिताए हैं या मैं चाहता हूँ कि वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई पढ़ाई लिखाई कर ली, बस हमें एक नौकरी चाहिए, कुछ भी दे दो, तो उन बच्चों को बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कुछ बच्चों के लिए तो एक जज्बा होता है कि हमें से भी हो एक नौकरी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वर्दी देख के उनकी लालसा बढ़ जाती है, या कह लीजिएगा कि टिकटॉक पे या दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनको वर्दी देख देख के लुहावनी वर्दी लगती है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, और उसके पीछे क्या चलता है, उनके पीछे कितना दर्द रहता है फौजी की लाइफ का, वो उनको पता नहीं चलता है। तो वो वर्दी के लोभ में आके चले जाते हैं, उसके बाद एक सीट घेर लेते हैं, एक सीट फिल कर देते हैं, बाद में रिजाइन देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, कॉम्प्लिकेशन आते हैं, वो अदर थिंग है। तो उसी के व्यापे में एक आपके लिए वीडियो लाया हूँ, जो आपको क्या क्या परेशानी आने वाली है जॉब के टाइम पे फोर्स में, या तो आर्मी में हो, या आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, या CVAP में हो, किसी में भी टोपी और वर्दी की अगर आप जॉब करते हैं तो आपको क्या परेशानी आने वाली, हम इस वीडियो में यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। एक मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, आपको क्यों जॉब आर्मी की, पैरामिलिट्री फोर्स की, या CAPF की आपको ज्वाइन करनी चाहिए, आपको क्या बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो दो वीडियो हम बनाएंगे, इसमें मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, अगर उन परेशानियों को आप झेल सकते हैं तो आपको बिल्कुल डेफिनेट आपको ज्वाइन करना चाहिए इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, हम लेटेस्ट जानकारी और लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं पहली जॉब, तो पहले टॉपिक पे हम बात करते हैं, समय से छुट्टी ना मिल पाना। समय से छुट्टी ना मिल पाना मतलब देखिए, फोर्स में जो होता है आपको 60 दिन आपको अर्नी लीव मिलती है और 15 दिन आपको कैजुअल लीव मिलती है, दो तरह की छुट्टी हो गई, टोटल 60 दिन और 15 दिन, उसमें RSGH EAG सब कुछ मिला के आपको 80 से 90 दिन की छुट्टी बन जाती है। उसके बाद अगर आपके घर पे कोई परेशानी है, आपके घर पे कोई फंक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छुट्टी टाइम टू टाइम आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती हैं जब आपको छुट्टी नहीं मिलेंगी, तो आपके घर पे कोई फंक्शन है और आप उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके लिए फर्स्ट प्रियोरिटी क्या होनी चाहिए, आपकी भारत माता, आपकी नौकरी, आपका देश आपके अगर फर्स्ट प्रियोरिटी है और आपका जज्बा है कि मैं हाँ इन सबका त्याग कर सकता हूँ, तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए इंडियन आर्मी या CAPSSB ITBP BSF CISF, ये सब कुछ ज्वाइन करना चाहिए। अगर पहला बता दिया मैंने कि आपको टाइमली, ये आप अपने दिमाग से निकाल दें कि आप हर ओकेशन, हर खुशी में अपने फैमिली के शामिल होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टाइमिंग आते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अपने परिवार के साथ नहीं हो पाते, चाहकर भी घर पे कोई कैजुअलिटी हो गई है, घर पे कोई खुशी है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, बस वीडियो कॉल से। कभी कभी तो ऐसा भी दिन आता है कि पूरा पूरा दिन भी घर पे बात नहीं हो पाती, घर वालों को क्या हाल है वो नहीं जान पाते हैं। तो पहली आ गई कि आपको छुट्टी आपको नहीं मिलेगी टाइमली, आप अपने फैमिली से बिल्कुल कट टू कट हो जाएंगे। दूसरी है, आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, आपके बच्चे हैं, आपके बीबी है, आपके मम्मी पापा है, आप अपने जॉब में इतना लगन हो जाएंगे कि आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। आपकी पोस्टिंग हो जाएगी लेह लद्दाख में, आप रहने वाले हैं यूपी के, काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, वहाँ पे कम्युनिकेशन का भी गैप हो जाता है, लद्दाख ही छोड़ दे, कहीं भी आप सिटी में भी अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन मिस्टेक इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, आपको कभी भी बुला लिया जाता है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आप अपनी फैमिली से काफ़ी दूर हो जाओगे। तो अगर आपका फैमिली आपको सपोर्ट करने वाली है और वो भी आपको चाहती है कि भाई नहीं ये देश के लिए कुछ करने गए हैं और एक हमें ज़रूरत है एक फौजी की, वो रेस्पेक्ट करती है, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे और आप अपने बच्चों को भी
अपनी आंखों के सामने बड़ा होता नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए साल में 60-65 दिन आप छुट्टी आएंगे, वो भी मिली नहीं मिली, तो 60-65 दिन में आप फैमिली के साथ रहेंगे, एक साल आप अपनी यूनिट में रहेंगे, कितना देख पाएंगे अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के साथ कितना रह पाएंगे? तो आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ नहीं देख पाएंगे। ये सबसे ज़्यादा जो गंभीर समस्या है हमारे साथ वो यही होती है कि फैमिली के साथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कहाँ कहीं कहीं पर ऐसी लोकेशन है, ऐसे एकोमोडेशन है कि जहाँ पर हम फैमिली के साथ रह सकते हैं और उनके साथ अपने अच्छे हसीन पल, खुशी के पल बिता सकते हैं, तो वो खुशनसीब वाले होते हैं जो ऐसे पल बिताते हैं, वरना अधिकतर जो होता है फैमिली पीछे ही घर पे ही छोड़ के आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल बंद हो जाएगी। आप बाहर क्या चल रहा है उससे आप बिल्कुल कट टू कट हो जाओगे। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? देखिए जब आप फोर्स में आ जाते हैं तो कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन हो जाती हैं, जैसे आपकी एक बाउंड्री हो गई, उसके अंदर ही आप अपने अंदर ही कैंप के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं जा सकते। जाएंगे तो कुछ सर्टेन पीरियड के लिए जाएंगे, लिमिटेड काम के लिए जाएंगे, जाएंगे तो कि उससे बात नहीं करना, ये नहीं करना, मतलब आपके ऊपर इतनी लिमिटेशन रहेंगी, आपको ऊपर कंट्रोल करने वाला रहेगा। जैसे कि आप सिविल सर्विस या सिविल नौकरी करते हैं तो वहाँ पे आप बिल्कुल आज़ाद रहते हैं, कुछ भी करें, नो टेंशन, सिविल कपड़े पहन के घूमें। अगर आपने वर्दी पहन ली तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। जैसे आप सिविल में हैं, कहीं भी गोलगप्पे खाने खड़े हो गए, कहीं भी पूड़ी खाने स्टार्ट कर दी, कहीं भी कुछ भी कर दिया, किसी को भी कैसी भी बात कर लो, लेकिन जब आप वर्दी पहन लेते हैं या आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो उसका निर्वहन करना आपको जिम्मेदारी बन जाता है। आप उस तरह से बिहेव करने लगते हैं क्योंकि आपके ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी है, आप एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पर चले गए तो आपको वो सारा कुछ देखना पड़ता है, वो कुछ देखना पड़ेगा, आपको उसी के तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो आपकी जो लाइफ है, सोशल लाइफ, बिल्कुल कट टू कट हो जाएगी। कंपेयर करें, अगर सिविल का बंदा है वो कुछ भी करे उसको इतना फोकस नहीं करेंगे, अगर आपने पब्लिक जाके वर्दी में है और आपने जरा सी चूचा या कुछ इधर उधर की हरकतें आपसे हो गई या बाय मिस्टेक हो गई, आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे मीडिया पे वायरल करने में, आपकी धज्जियां उड़ाने में 2 मिनट लगेंगे। आपकी क्या सिचुएशन थी आपको कोई नहीं समझेगा, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। वो सब कुछ हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये 3 चीज़ें आप कंट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए फौज सबसे बेस्ट है, आपको फौज में जाना चाहिए। चौथे पॉइंट पे चलते हैं कि आपको मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा टफ रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सभी की मेंटली और फिजिकली फिटनेस सेम रहती है, लेकिन फौज में जब आप आ गए तो ट्रेनिंग में आपको इतना टफ बना देंगे वो कि आपको ना चाहते हुए भी उस टफनेस को पाना ही पड़ेगा। तो आपका फिजिकल फिटनेस आपका टफ होना चाहिए, अगर नहीं है फिर भी करना पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि अगर फोर्स में रहना है तो उसके माहौल में ढलना ही पड़ेगा। तो ये 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई ट्रेनिंग के बारे में। फैमिली को समय नहीं दे पाएंगे, ओन छुट्टी नहीं मिल पाएगी, फैमिली के साथ फंक्शन है उसमें आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते, काफ़ी लंबी खींच जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने आज कवर की हैं कि आपको क्यों फोर्स में नहीं जाना चाहिए। अगर हाँ इन सब चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स को आप कंट्रोल में कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली फौज का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि क्यों आपको फोर्स ज्वाइन ही करनी चाहिए, आपके लिए फौज बेस्ट है। तो ये 2 वीडियो बनाएंगे, चैनल पर बने रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट होगा इसका, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।